फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग शेफ। आज हम बनाने वाले हैं ईरानी समोसे, आप इसे ऑनियन समोसे भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ईरानी समोसा या ऑनियन समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बाउल मैदा। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा गरम ऑयल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से इस तरह मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए हमें इसे एक सॉफ्ट डो बनाना है। हमारा डो बनके तैयार है। हम इसे इस तरह थोड़ा सा ऑयल लगा के 10 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने इस तरह लंबे लंबे ऑनियन काट लिए हैं। साथ ही में हम इसमें 1 बाउल पोहे ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। साथ ही में कुछ हरी धनिया, आपके पास आमचूर हो तो ऐड कर सकते हो, वरना हम इसमें नींबू का रस ऐड कर रहे हैं। तो अच्छे से मिलाइए। हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। आटे को हमने अच्छे से पेड़ा बना लिया है, अब इसको हम बेलेंगे। इसे लंबा ही बेलना है। अब हम इसे रेक्टेंगुलर शेप में लंबे लंबे काट लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे शीट्स बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक तवा गरम होने के लिए रख दिया है। इस पे हम इस तरह इसे हल्के से सेक लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा इस तरह ही सेकना है। हमारी शीट बनके तैयार है दोनों तरफ से। इसी तरह हम सारे शीट को सेक लेंगे। अब हम अपने शीट को इस तरह कोन का आकार देते हुए फोल्डिंग कर लेंगे अच्छे से। इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग अच्छे से दबा के भरिए। मैदे और पानी से बनाया हुआ घोल है, जिससे हमारा समोसा अच्छे से क्लोज हो सकता है। इस तरह चारों तरफ से समोसे को क्लोज कीजिए, अच्छे से पैक कीजिए। इस तरह हम सारे समोसे भर लेंगे। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने को रख दिया है। अब हम 1 बाय 1 अपने समोसे ऑयल में धीरे से छोड़ देंगे। इस तरह से और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे।
हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे ईरानी समोसे बनके तैयार है। देखिए कितने अच्छे मस्त बने हैं, क्रिस्पी बने हैं, कितना अच्छा शेप आया है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी, कितना अच्छे से साउंड आ रहा है देखो क्रिस्पी का। वाव, जितने मस्त दिख रहे हैं उतने टेस्टी बने हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हो या ग्रीन चटनी के साथ, नहीं ऐसे ही खा सकते हो, ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।